वो कहते हैं ना कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तभी तो एक गरीब लड़का जिसका परिवार दो पीढ़ियों से जीने के लिए बेकरी का काम करता था, जिसने अपने बुरे दिनों में झाड़ू मारने जैसा भी काम किया, उसने अपने मेहनत के दम पर एक ऐसा कंपनी खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। गाइस, आपने लैम्बोर्गिनी जो कि एक सुपरकार मेकिंग कंपनी है, BMW जो कि एक लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी है, इन सब का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने पगानी का नाम सुना है? वेल, नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यकीन करो इसके बारे में जानने के बाद आप भी पूरा शॉक्ड हो जाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पगानी के फाउंडर से, जिनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। होराशियो पगानी, जो कि पगानी कंपनी के मालिक हैं, उनका जन्म 10 नवंबर 1955 में अर्जेंटीना के कैसिल्डा में हुआ था। बचपन से ही उनको मैकेनिकल और इंजीनियरिंग चीजों का शौक था। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथों से एक मोटरसाइकिल बनाया, जिससे वो पूरे कैसिल्डा में घूमा करते थे। जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अपने कैरियर के शुरुआती के कुछ टाइम में ही वो ये समझ गए कि उनका गांव में पैदा होना और उनके गांव का लाइफ उनके इंजीनियरिंग कैरियर के सपनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। पगानी महज 20 साल के उम्र के अंदर ही फॉर्मूला 3 रेसिंग कार का डिजाइन के साथ साथ कार भी बना लिए थे। 23 साल के उम्र में उन्होंने फॉर्मूला 2 कार भी बनाया, जो ऑफिशियली रेनॉल्ट ग्रुप के कार्स के साथ कंपटीशन किया था। यूं ही उनको ऑटो इंडस्ट्री का लियोनार्डो द विंची नहीं कहते हैं। पगानी के जीवन में मोड़ तब आया जब उनको रेनॉल्ट ग्रुप के द्वारा हायर किया गया एक रेसिंग कार का बॉडी अपडेट करने के लिए। वहां उन्होंने अपने काम को सफलतापूर्वक किया और इस छोटे से सक्सेस के बाद वो लैम्बोर्गिनी विजिट किए और कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर गियुलियो अल्फेरी से मिले। 1982 में वो इटाली चले गए और काम करने के लिए लैम्बोर्गिनी को ज्वाइन किया। शुरुआती दिनों में वो कंपनी में झाड़ू लगाना जितना छोटा से छोटा काम भी करने लगे थे, लेकिन बाद में वो सक्सेसफुली कंपनी में काम करने लगे। कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने हुनर के दम पर लैम्बोर्गिनी का चीफ इंजीनियर बने और काउंटेक इवोल्यूशन कार का कॉन्सेप्ट भी बनाया, जो आगे चलकर लैम्बोर्गिनी का एक सफल कार भी रहा। उन्होंने मॉडेना डिजाइन नाम का एक कंपनी स्टार्ट किया, जो कि कार्बन फाइबर कंपोजिट बनाता था फॉर्मूला 1 कारों के लिए, और उनके क्लाइंट्स थे डेमलर, फरारी, एप्रिला जैसे बड़े बड़े कंपनी। पगानी ऑटोमोबाइल मॉडेना 1992 में होराशियो पगानी द्वारा बनाया गया था, जिसकी पहली गाड़ी थी जोंडा, पगानी जोंडा, जिसपे 7.3 लीटर M297 इंजन लगा हुआ था और इसको बनाने में टाइम लगा था पूरे 7 साल। उसके बाद आई पगानी की दूसरी कार पगानी वायरा, जिसका टॉप स्पीड है 383 किलोमीटर पर आवर और 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड को 3.2 सेकंड में अचीव कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पगानी की कार्स अभी के टाइम पे वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव और लग्जरियस कारों में से शामिल है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।